सुनाओ, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फुल एंड फुल सिंपलीफाई कर लिया है, सुनाओ हम लोग आ गए हैं किस चीज़ पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमें अगेन सिंपलीफिकेशन गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या फ़र्क है। अगर यहाँ से देख लेते तो हमें मल्टीप्लीकेशन गिवन है, डिवीजन गिवन है, तो यानी हमारे पास इन्हीं चीज़ों का फ़र्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। तो फर्स्ट तो हमेशा फर्स्ट पार्ट ईजी होता है, ये भी ईजी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करेंगे, स्क्वायर्स बनाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, क्या होता है 25, सो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग इसका ऑर्डर चेंज करें सो हमारे पास एक स्टेप कम हो जाएगा। सो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, एक्स जो है पहले हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5। सो अगर यहाँ पर हम लोग जो है माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन फार्मूला यूज़ है। फार्मूला किस चीज़ का यूज़ है, फार्मूला यूज़ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका इक्वल आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, सो ए प्लस बी और माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हो जाएगा एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5, ए प्लस बी ए माइनस बी एंड नीचे माइनस और एक्स माइनस 5 ऑलरेडी गिवन है, एक्स माइनस 5 ख़त्म। हमारे पास आंसर क्या है, माइनस एक्स प्लस 5, एंड इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो दिस इज़ द आंसर। सो होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो पार्ट 2 की तरफ हम आ गए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन गिवन है, एंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन हो रही है। सो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और 5, तो 4 हमें आना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या यूज़ कर लेंगे, 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 एंड प्लस 4 हो जाएगा, सही है। एंड साथ में ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और y को y के साथ लिखेंगे, y यानी 2y हो जाएगा। यहाँ पर फैक्टराइजेशन क्या यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका सम और ये हो गया इसका जो प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4y y y क्यूब है ना, तो y। अगर यहाँ पर देखें 2y और 2y हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और अगर हम लोग 2 देखें 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा x प्लस 4, एंड यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 4 तो ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, 1 बचता है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2y। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज करना होगा, यानी यहाँ से हम लोग एक्स प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एंड नीचे डिवीजन में 2y है एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहली बार कर रहे हैं फैक्टराइजेशन में, 1 ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, सही है। एक्स प्लस 1 विल बी कैंसिल, सो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है। आंसर क्या है, आंसर है हमारे पास एक्स प्लस 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास हो गया है आंसर। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो नाउ हम पार्ट 3 पर आ गए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो फिर से हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पर हमें डिवीजन दी गई है एंड ये फर्स्ट टाइम हमें डिवीजन दी गई है, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको फैक्टराइज करेंगे एंड इसको भी फैक्टराइज करेंगे, जितना हम लोग इसको फैक्टराइज कर सके उतना हमारे लिए अच्छा होता है, एंड इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो। ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा होगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स माइनस 4 हो जाएगा।
अब इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो है ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे जो है वो इन्वर्स प्रोसेस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x-1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x³-4x² + x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4, सही है, ये हो गया है। नाउ अगर हम लोग इधर देखें तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4x-1x + 4, सो ये हो जाएगा -5, यानी हमारे पास सम आ गया और 4 × 4 प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फैक्टराइजेशन को बिल्कुल सही से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन। एंड नाउ यहाँ पर चले जाते हैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, सो ये भी यहाँ पर हमारे पास होगा x² एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4x + 1x एंड ये हो जाएगा -4, ठीक है। एंड नाउ ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x-1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा x² एंड -4x² हो जाएगा, या फिर x² को हम लोग कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे हो जाएगा x-4 हो जाएगा। एंड अगर से अगर हम लोग देखें सो हम लोग +1 को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x-4, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोनों ब्रैकेट जो है सेम होने चाहिए और एल्स आपकी फैक्टराइजेशन गलत होगी, ध्यान से करिएगा। एंड अगर यहाँ पर देखें तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। सो यही मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन, ये हो जाएगा x-4 एंड यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले लूँगी, x-4 हो जाएगा। एंड डिवीजन में अगर देखा जाए तो x को कॉमन लूँगी एंड ये हो जाएगा x-4 एंड ये हो जाएगा +1 x-4 हो जाएगा, सही है। एंड मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2x-1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1 एंड ये हो जाएगा x-4। सो हमारे पास काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं। नाउ ऊपर का मैं इरेज कर दूंगी ताकि नीचे जो है हम लोग अपनी कैलकुलेशन बरकरार रखें। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से x-4 कॉमन ले लूँगी, x-4 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x-1 एंड नीचे से भी x-4 को कॉमन ले लूँगी एंड नीचे से x+1 एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x-1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास x-4 एंड x² + 1। एंड पहले से मैं बता दूं कि अगर आप ये जो ब्रैकेट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मैटर नहीं करता कि हमारे पास कौन सा ब्रैकेट पहले है कौन सा बाद में है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आता है। हाँ अगर प्लस माइनस आप कर रहे हैं तो आपके पास गड़बड़ हो सकती है, तो उसको फिर आप ऑर्डर से लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो हमारे पास काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि x-4 एंड x-1 है वहाँ पे, सो ये हमारे पास कैंसिल नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x-4। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमने क्या किया हुआ है, x-4 कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला x-4 को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दें, उस वाले को हम लोग कैंसिल कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 x-1 एंड मल्टीप्लिकेशन 2x-1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x-4 एंड x² + 1, ठीक है। अब इसको हम लोग एज इट इज एक साथ लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, सो ये हो जाएगा x+1 एंड x-4 एंड x² + 1 एंड ऊपर हो जाएगा x-1 एंड ये हो जाएगा 2x-1 एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। सो काफ़ी ईजी होता है, बस हमें ये तरीका देखना है कि किस तरह से हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे एंड फैक्टराइज कैसे करेंगे एंड कैंसिल कैसे करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर इस x-4 को कैंसिल कर देती तो भी मेरे पास आंसर विल बी द सेम, सही है। सो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट 4 पर आ गए हैं।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे एंड देन सिंपलीफाई करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है क्यूब का फॉर्मूला, हमें क्यूब का फॉर्मूला याद है, तो चलिए इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए एंड ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है। एंड नाउ नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी जो है इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फॉर्मूला होप कि आपको याद होगा, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको याद करवाया हुआ है, सो आपको याद होना चाहिए। एंड प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखें सो हमारे पास ये और ये जो है होल कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर हम लोग बाकी देखें, बाकी कैंसिल नहीं हो रहा, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए एंड ए प्लस बी एंड ये हो जाएगा ए माइनस बी, एंड इसको भी हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें हम लोग के पास और ये सॉल्व नहीं हो रहा, हाँ कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको ऐसे दो जो है स्टेप्स में ख़त्म करें या थर्ड स्टेप की आप लिखें। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि इन दोनों का एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह करना चाह रहे हैं, आपको किस तरह ईजी लग रहा है, आप किस तरह कन्फ्यूज़ नहीं होते, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा वो मेथड यूज़ किया करें जिसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो, बिकॉज़ योर कन्फ्यूजन मेक योर सोल्यूशन रॉन्ग, सो इस वजह से हम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो चलिए आ गए हैं पार्ट फाइव की तरफ। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो वही हम लोग के पास फैक्टराइजेशन है, यहाँ पर डिवीजन के बने, सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा हाँ मल्टीप्लाई, इसको ऊपर इसको नीचे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माई एक्स वाई का प्रोडक्ट नीचे, ठीक है। ना अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला सेवन है, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फोर का स्क्वायर जो टू बन रहा है उसको हमने कर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू हो जाएगा एंड ये हो जाएगा एक्स और वाई का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फॉर्मूले को अगेन ओपन कर देंगे, सो वी गेट सेवन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू से डिवाइडेड बाई एक्स वाई के प्रोडक्ट से। सो अगर देखा जाए एक्स प्लस टू कट के हमारे पास सेवन बाई एक्स वाई एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का हमारे पास रह जाएगा एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जितना सिंपल आप कर सके उतना सिंपल आप इसको लीजिए, टेक इट वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नाउ चलते हैं पार्ट सिक्स की तरफ,